Good morning, students. Today we are going to start with the topic from book number 1, South Asia and Contemporary World. In NCERT, democracy in Maldives has been given in 2-3 lines, but one or two marker can be asked from this chapter. So we'll do it from this video. Maldives mein democracy ki sthapna kis tarah se hoti hai? This is the flag of Maldives. You can see the red and green color rectangle, and in between that one moon figure is partly given here. This can be asked in recognition. So if we see its geographical situation, that can be asked in one marker that Maldives ek low lying island hai, jaise yahan par Bharat hai, to it to in the Indian Ocean it is situated. इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री है एंड इट इज़ 430 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इंडिया एंड देयर आर अबाउट 1192 आइलैंड्स विच आर डिस्पर्स्ड ओवर द एरिया ऑफ 1900 स्क्वायर किलोमीटर्स 90,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के ऊपर फैला हुआ यह एक आइलैंड कंट्री है दैट इज़ क्वाइट नियर टू इंडिया एंड दिस earlier it was under the rule of Britishers as in the same way India was a colony of Britishers this island country was under the rule of Britishers and when it got independence from Britishers on July 26 1965 it became a sultanate wahan par sultan ka raj start ho gaya sultan sir Muhammad Farid Didi jo yahan ke ruler bane wo wahan par sultanat qayam ki unhone एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस वहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना नहीं होती है सो एट दैट टाइम तीन घटनाएं होती हैं और इन तीन घटनाओं में जब लोग चाहते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना हो तो 15 नवंबर 1967 में पार्लियामेंट में वोटिंग की जाती है यह डिसाइड करने के लिए कि दैट मालदीव्स विल कंटिन्यू विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कि राजा का रूल रहेगा या फिर इट विल बिकम अ रिपब्लिक की यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना होगी इन दिस वोटिंग इन द पार्लियामेंट 40 मेंबर्स वोटेड इन द फेवर ऑफ दिस आउट ऑफ 44 मेंबर्स में से 40 मेंबर्स जो थे वो इसके फेवर में वोट करते हैं कि मालदीव्स में रिपब्लिक की स्थापना होनी चाहिए वहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना होनी चाहिए सो उसके बाद लोगों से पूछा जाता है द कॉमन पीपल वर आस्क्ड ऑन 15 मार्च 1968 अंडर वन नेशनल रेफरेंडम नेशनल रेफरेंडम मीन्स सारे देश में जब मतदान होता है थ्रू द वोट इट वाज हेल्ड इन द कंट्री ऑफ आइलैंड कंट्री ऑफ मालदीव्स एंड आउट ऑफ ऑल द वोटर्स 81.23 voters they voted in the favor that they wanted to establish a republic in the nation. Nation mein republic ki sthapna honi chahiye. And the third event which happened here is the sultanate was abolished. Sultanate was abolished and republic was declared in Maldives. And on 11th November 1968. रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स वॉज क्रिएटेड विद एन इलेक्टेड प्रेजिडेंट वहाँ पर घोषणा की जाती है कि वहाँ पर एक प्रेजिडेंट होगा दैट विल बी इलेक्टेड एंड रिपब्लिक वॉज डिक्लेयर्ड वहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना हो जाती है अब जो एनसीईआरटी आपको बोलता है एनसीईआरटी की कुछ लाइन्स दो तीन लाइन्स दी गई हैं यू कांट गो अवे विद द एनसीईआरटी लाइन्स बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पेपर इज आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी मालदीव्स एक सल्तनत 1968 तक रहता है और उसके बाद इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रिपब्लिक रिपब्लिक में चेंज हो जाता है और वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट विल बी इलेक्टेड वन वहाँ पर इलेक्टेड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेजिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन 2005 पार्लियामेंट ऑफ मालदीव्स वोटेड टू इंट्रोड्यूस मल्टी पार्टी सिस्टम वहाँ पर बीच की घटनाओं को नहीं बताया गया है 2005 में पार्लियामेंट जो है मालदीव्स की वो वोटिंग करके मल्टी पार्टी सिस्टम एस्टैब्लिश कर देती है वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड
वन मार्क क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है दैट व्हाट इज योर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी. इट इज दैट पार्टी दैट डोमिनेट्स द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द आइलैंड. यू कैन गिव आस्क्ड दैट विच पार्टी डोमिनेट्स द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ मालदीव्स. दैट इज मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी. एंड डेमोक्रेसी वॉज स्ट्रेंथन्ड इन मालदीव्स 2005 के बाद जब कुछ ऑपोजिशन पार्टीज को लीगल अनाउंस कर दिया जाता है, लीगलाइज कर दिया जाता है, तो उस समय वहाँ की पार्टीज को भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है और इन पार्टीज में इन पार्टीज को लीगलाइज कर दिया जाता है और उनकी लीगलाइजेशन के बाद ही वहाँ पर डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है. If we see today's condition, the president of Maldives is Ibrahim Mohamed Soleil. Ibrahim Mohamed Soleil वहाँ के president हैं. Now let us see what is the most important part of this question, that is the relations between India and Maldives. India और Maldives के बीच में किस तरह के relations हैं, bilateral relations किस तरह के हैं, that we are going to see in this topic. India and Maldives, they have officially and peacefully decided their maritime boundaries. In 1976 में बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से दोनों ही देशों ने अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को डिसाइड कर लिया है. किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है. दे हैव ऑल्सो साइंड कॉम्प्रहेंसिव ट्रेड अग्रीमेंट इन 1981 में दोनों ने ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन किया है. और बोथ ऑफ द नेशंस दे आर द मेंबर्स ऑफ SAARC. SAARC, you know very well that South Asian Association for Regional Cooperation, and they have also signed the SAFTA, that is South Asian Free Trade Agreement, that in between the nations the free trade will be organized. तो जो बहुत ही important दोनों nations के बीच में एक operation है, that is Operation Cactus. ये इतना important नहीं है, but as a student you must know. It can be asked in the paper, क्योंकि इसके बारे में एक लाइन NCERT में मेंशन की गई है. और इसमें ऑपरेशन कैक्टस, इट वॉज अ मिशन ऑफ इंडिया. इन दिस ऑपरेशन कैक्टस, हेयर इज द लोकेशन ऑफ मालदीव्स एंड हेयर इज इंडिया एंड श्रीलंका. मालदीव्स के एक सेपरेटिस्ट लीडर ने श्रीलंका की लिबरेशन टाइगर्स एक ऑर्गेनाइजेशन से मदद करके मालदीव्स के प्रेसिडेंट को हटाने की कोशिश की. एंड दिस इज ऑपरेशन टाइगर. वी स्टडी इट अबाउट मालदीव्स में नवंबर 1988 में प्रेसिडेंट थे वहाँ के ममून अब्दुल गयूम प्रेसिडेंट थे और उनकी गवर्नमेंट का तख्ता पलटने के लिए एक लीडर, मिलिटेंट ग्रुप के लीडर जो अब्दुल्ला लुतफूफी थे मालदीव्स के, ही गॉट द मिलिट्री हेल्प फ्रॉम पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलम. श्रीलंकन सेसेशनिस्ट ग्रुप है ये, और इस ग्रुप से उन्होंने हेल्प ली और इस ग्रुप से हेल्प लेने के बाद उनका तख्ता पलटने की पूरी पूरी कोशिश उन्होंने की है. तो इसमें जब मालदीव्स बेचारा क्या करता, तो मालदीव्स ने उस समय इंडिया से हेल्प मांगी, श्रीलंका से हेल्प मांगी और म्यांमार, जिसकी लोकेशन साउथ एशिया में है, इन तीनों नेशन से हेल्प मांगी. इन दैट सिचुएशन मालदीव्स की हेल्प के लिए सबसे पहले फास्टली इंडिया रिएक्टेड. इंडिया ने वहाँ पर हेल्प के लिए अपने पैराट्रूपर्स भेजे और मिलिटेंट्स को वहाँ से कैप्चर कर लिया, उनको भगा दिया. एंड दिस ऑपरेशन वॉज नोन एज ऑपरेशन कैक्टस. इसके अलावा दिस इज इम्पॉर्टेंट ऑफ नवंबर 1988. एंड रिगार्डिंग दीज टू रिलेशंस, इंडियाज मिशन इन इट हैज ऑल्सो हेल्प्ड मिलिट्री टेक ओवर ऑफ द कंट्री इन 1988. जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, मिलिटेंट लीडर थे अब्दुल्ला लुतफूफी, उन्होंने कोशिश की थी कि मिलिट्री टेकओवर कर लिया जाए मालदीव्स का, लेकिन उसमें उसे असफलता का सामना करना पड़ा क्योंकि इंडिया ने उसी समय उसकी हेल्प कर दी थी, मालदीव्स की उस समय हेल्प कर दी थी और पैराट्रूपर्स भेजकर मिलिटेंट्स को वहाँ से
कैप्चर कर लिया और उनको वहां से भगा दिया. सो दिस इज ऑल विद ऑपरेशन कैक्टस. बायलैटरल असिस्टेंस में बोथ द नेशंस आर लीडिंग पार्टनर्स. इंडिया इज अ लीडिंग डेवलपमेंट पार्टनर ऑफ मालदीव्स. इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल वहां पर बनाया गया है. एंड इंडिया हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी. FET प्रोवाइड की गई है वहाँ पर. और फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टडीज हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड. SBI ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा भी लगाया है. और जब 2004 और 7 में मालदीव्स में सुनामी आती है, देन इंडिया हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड टू मालदीव्स एट दैट टाइम. क्योंकि अगर इंडिया मालदीव्स की हेल्प नहीं करता है तो चाइना इसका फ़ायदा उठा सकता है. चाइना उसका टेक ओवर और श्रीलंका उसका टेक ओवर कर सकता है. इसीलिए इंडिया इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प मालदीव्स इन दैट सिचुएशन. इन एवरी सिचुएशन इंडिया इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प मालदीव्स. सो दिस इज ऑल. इट इज़ अ 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन दैट कैन कम. थैंक यू.